तो हेलो मोर गैंग, आयुष अनीता मोर इज हेयर और हैवी डिमांड पे हम लोग फिर से आ गए हैं बिल्ड टू सर्वाइव में। यस दी यार आयुष, पिछले बार है ना मैं जीती थी, सब लोग ने कमेंट सेक्शन में यही लिखा था कि एकता का घर सबसे बढ़िया है। मेरा अच्छा था, मैंने बहुत ही क्रिएटिव हाउस बनाया था सब जगह से, समझा। अरे मैंने भी तो बहुत क्रिएटिव बनाया था यार, ऐसे कैसे बोल रहे है। देखेंगे ये वाले में जीत के दिखाओ तब मानूंगा मैं। ये रहा मेरा प्लॉट, अभी यहाँ पे मेरा भी, और अब बाप रे मेरा पीछे रैली लग गई है पूरी कातिलाना की। ओ काट दिया रे दीदी, क्या चल रहा है, मार दिया। यहाँ पे तो भाई खतरनाक मॉन्स्टर आते रहते हैं। जब देखो यार मुझे बिल्ड करना होगा जल्दी से, अभी कोई ना कोई आ जाएगा फिर से। ये ले लिया ब्लू कलर, लेट्स गो, एक बार ऊपर चढ़ जाते हैं। 21 seconds है तब तक। और ये देखो अभी इन लोग के पीछे बढ़ गया वो वहाँ पे बंदा खड़ा है। भाई मैं तो भाई बनाना स्टार्ट कर दिया आयुष, ये लोग घर के यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा। वही तो, मैं भी यहाँ पर बना रहा हूँ, मैं पहले ऊपर चढ़ गया हूँ। भाई ऊपर जाना सेफ रहता है, पहले भी हम लोगों ने यही चीज की थी है ना। मैं तो नीचे से बना रही हूँ भाई, इस बार नीचे से घर बनेगा पूरा। ओहो ठीक है भाई, ठीक है चलो। दीदी ऐसा कर रही है तो अपन को भी करना पड़ेगा यार, ये तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, बेइज्जती। नीचे से? अरे यार ये तो गलत बात है आयुष, तू चीटिंग कर रहे है। चीटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे नीचे से चारों तरफ पहले एक बाउंड्री बनाएंगे ब्लू कलर का। गाइस फटाफट से लाइक करो मेरे लिए, जल्दी लाइक का बटन दब जाना चाहिए, और मेरे लिए सब्सक्राइब का, क्योंकि 29 seconds बाकी है भाई, किलर्स आने वाले, जल्दी से बना देते। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, जल्दी करो। अरे यार दीदी के चक्कर में मैं भी मरूंगा, मैंने भी साइड में एक बाउंड्री तो खींच दी है, लेकिन वो लोग इसे आराम से क्रॉस तो कर लेंगे मेरे को जहाँ तक लगता है। हाँ तो उसको जल्दी जल्दी ऊपर तक करो तो। यार मैं मरूंगा। एक काम करते हैं, मैं नीचे में बना के पहले ऊपर उड़ जाता हूँ। ये सही है, अब नहीं आ पाएंगे वो लोग। और गाइस अभी दीदी को हम लोग यहाँ मरते हुए देखेंगे, लिखा है इम्पोस्टर इज हियर। अरे वहाँ पे वो देखो अमोंगस दीदी की तरफ हमला करते हुए। अरे ये तो चल गया। रेड कलर ने ही दीदी को मार दिया भाई, मजा आ गया मेरे को तो देख के। यस अरे यार ये लोग तो अभी भी मेरे घर के अंदर है भाई। अरे बाप रे बाप, मुझे छोड़ेंगे नहीं यार ये अमोंग अस तो। इसे कहते हैं स्टाइल भाई मेरे पास। अरे वो देखो मेरे नीचे भी अमोंग अस है, लेकिन मेरी बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकते। मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है गाइस, ब्लू कलर की लक्ष्मण रेखा। आंखें दिखा दो, हिम्मत है तो। ये देखो खड़े नल्ले पाव, नहीं आ सकते, यही तो बात है मोर गैंग की। अरे आयुष देखो मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ आजू बाजू में अमोंग अस है पर ये लोग मेरे को मार नहीं सकते। देख वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। ये देखो ये लोग इधर खिसक रहे। अरे चले गए यार नल्ले। देखो आयुष मोर ओपी सर्वाइव, हमेशा ओपी यार। तो गाइस देखो मेरा क्या प्लान है बनाने का। पहले मैंने यहाँ पे साइड में वॉल्स खड़ी कर ली है, ऊपर में फेंसिंग कर दी है, और ये देखो तुम लोग को दिखा रहा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत ऊंचे वॉल्स लगाए हैं। और अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ साइड में ना दोनों तरफ से ऐसे करके स्टेयर्स लगाऊंगा और यहाँ से उसको ऊपर कनेक्ट कर दूंगा, तो भाई ये महल जैसा लगेगा, बहुत सही लगेगा। दीदी तू क्या बना रही है, वो अब मेरे को दिख रहा है यहाँ से। ये देखो दीदी क्या बना रही है वहाँ पे। ओ आयुष तूने काफी कुछ बना लिया क्या। हाँ मेरे वॉल्स हो गए यहाँ पर, ये देखो मैं ऊपर। और तूने मेरे जैसा ही बनाया, यहाँ पे देख मेरी तरह फेंसिंग की है। अच्छा ओहो। और गाइस ये देखो तुम्हें तो पता ही है मुझे रेड कलर काफी पसंद है, इसलिए मैंने ऊपर में रेड कलर दिया है। और यहाँ से जैसे एंटर करेंगे ना तो ये एरिया यहाँ पे पूरे मैंने प्लांट्स लगाया है यार, मुझे काफी अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ अगर इसे बाद में कारवार हुआ तो यहाँ पे पार्किंग करेंगे कार की। और जो ऊपर हाउस है ना वो ऊपर में मैं बनाने का प्लान कर रही हूँ, इस साइड में पूरा का पूरा एक घर बनाएंगे। अच्छा भाई मेरा तेरे से ज्यादा बेटर बनेगा, नीचे में बार बार कोई ना कोई आगे परेशान करता रहता है, इसलिए अभी देखना गाइस मैं क्या बनाता हूँ, लेट्स गो। तो मोर गैंग मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मतलब देखो यहाँ पर मैंने अपना बेस तैयार कर लिया है, अभी इंटीरियर और थोड़े रूम्स बनाना बाकी है। जैसा मैंने बोला था मैं दोनों तरफ से सीढ़ी लगाऊंगा वो हो गया है, और ऊपर में अभी यहाँ पर भी काम चालू है, बस फिर देखना इतना सुंदर डेकोरेशन होगा। और दीदी का मेरे को यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं वो क्या बना रही है वहाँ पे, लेकिन मैंने तो यहाँ पे देखो दीवार लगाया है, यहाँ फेंस लगाया है, दोनों तरफ ये लगाया है। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ सुंदर सा बनाने का, और ये जगह खाली
चाहिए, इसके अंदर मैं डोर लगा के कुछ बनाऊंगा। तुम लोगों को पता है मेरे को थोड़ा सा एनवायरमेंट का रहता है, तो यहाँ पे हम लोग चिलिंग एरिया दे सकते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग दो रूम बना सकते हैं, तो ये मेरा प्लान है। और भाई दीदी क्या बना रही है? और गाइस मैंने ये घर को एकदम बाहर से ऐसे डेकोरेट किया है, थोड़ा सा तुम लोग को मैं स्नीक पीक दे देती हूँ अपने घर का, तो चलो भाई ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बनाऊंगी, ये चीज मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये तो बाद में बताएंगे। और ये क्या हो रहा है भाई, ये कैट उछल उछल के आयुष के घर के अंदर घुस रहे हैं यार। और यहाँ पे मैंने एक लिविंग रूम बना दिया है, और बाद में जब पूरा बन जाएगा ना उसके बाद में तुम लोगों को दिखाती हूँ। तो मोर गैंग मेरा घर तो रेडी है, तुम लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगा। भाई मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे ये देखो जितने भी टूल्स होते हैं ना, तुम लोगों अगर नहीं पता, वैसे पता ही हो, तुम लोगों ने खेला है, लास्ट एपिसोड भी तुम लोगों ने देखा था। मैंने यहाँ नीचे में देखो ग्रीन ब्लॉक्स लगाए थे, उसके बाद में यहाँ पे मैंने ब्लू ब्लॉक्स, फिर मटेरियल्स का यूज किया, फर्नीचर है यहाँ पे देखो, सिंक विंक सब कुछ है। ये सारी चीजें मैंने यूज कर ली थी, स्टेयर्स ये वाला व्हाइट वाला लगाया था मैंने। तो ऐसे करके हम लोगों ने अपना पूरा घर यहाँ पे रेडी कर दिया है, काफी टाइम लगा है। और दीदी का भी आई थिंक रेडी हो गया है। मैं पूछे दीदी तेरा घर रेडी हो रहा? बाप रे तेरा घर के बाहर सायरन ऐड है। अरे कोई बात नहीं यार, सायरन हेड से डरते हैं क्या? और मेरा घर एकदम रेडी है आयुष। ओ चलो फिर शो डाउन करते हैं। अरे वो दिख रही है मेरे को दीदी, और बाहर देख एक बार सायरन हेड को मेरे घर के बाहर देख रही हूँ मैं। ये रहा आज सायरन हेड, मार के दिखा मुझे, मार के दिखा भाई। ये देखो क्यों तो हो गया ये, तू मार के दिखा बोलती है, मेरे पीछे आ गया। घर में घुसने से पहले ही मार दिया रे। दीदी यार तुम आओ यार, देखो सिर्फ एकता और ओपी ही सरवाइव करी थी, ऊपर लिखा हुआ आया था। दी तुम ही आओ मेरे घर में। ओके मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। हेलो, तो यहाँ से देखो बाहर से एंट्रेंस इस तरीके से है, कैसा लग रहा है पहले तो बाहर का लुक बताओ मेरे को। यार बाहर का तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सेम टू सेम तुम्हारे जैसा ही लग रहा है ये मुझे, ब्लू एंड ग्रीन। तो चलो एंट्रेंस में आ जाओ। और ये देखो सामने मैंने यहाँ पे बनाया है किचन एंड डाइनिंग एरिया। वाओ यार तेरा किचन तो बहुत बड़ा है यार, ये तो बहुत लोगों की ड्रीम है। या ओपन किचन का फैशन है, तो यहाँ पे मैंने ओपन किचन डाइनिंग बढ़िया से बना दिया है। अरे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दोनों तरफ यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। लेकिन 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 जब सीढ़ी बनाते हैं तो यहाँ नीचे में गैप रह जाता है ना, तो आयुष भाई तुम्हारे सारे गैप्स को फिल करता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ यहाँ पर भी कुछ कुछ बनाया है दी। तो चलो भाई इसके अंदर चलते हैं। ओह ये तो बाथरूम है। यस, यहाँ पर हम लोग हगेंगे, यहाँ पे धोएंगे और यहाँ पर हम लोग बदलेंगे। वाओ ये तो स्टोरेज हो गया, मतलब क्लोथ्स रखने के लिए ना। बिल्कुल, थोड़े बहुत कपड़े। और फिर इस तरफ में यहाँ पर मैंने गेस्ट रूम बनाया है, जैसे तुम कभी कभी मेरे घर आ जाती हो बिना बोले तो यहाँ पे सो सकती हो। अरे वाह वाह नाइस यार, अच्छा बनाया है यार। यार और ऊपर में देखो सबसे खूबसूरत एरिया है मेरा ये वाला। वाह यार सच में तो मुझे भी पसंद आया। और यहाँ पे मैं भी बैठ जाती हूँ और मुझे भी कुछ खाना है यार, तो खा लेते हैं। लखूब खाएंगे हम भी। ये मैंने ले लिया चाय, मॉर्निंग चाय पियेंगे गाइस, बाय धुआं उड़ा के चाय पियो। और मैं तो खा रही हूँ सैंडविच, बहुत ही बढ़िया। और तुम्हारा घर मेरे को यहाँ से दिख रहा है पूरा। अरे अच्छा, हम लोग दोनों का घर आजू बाजू में है यार। यस, तो चलो अभी यहाँ पे मैंने दो रूम बनाए हैं पीछे, तो वो दोनों में तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चलो ये देखो, ये है मेरा बेडरूम। बेडरूम तो काफी अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे टीवी भी है। यस, इसके अंदर में सिर्फ रेड कलर का बेड है, यही बुरी बात लगी, नहीं तो मैं यहाँ ब्लू बेड लगाता और पूरा कलर मैच करता है मेरे से। अरे नहीं यार, रेड कलर का बेड है, यही तो मुझे अच्छा लग रहा है इसमें। यहाँ पे साइड टेबल्स और यहाँ पे टीवी भी तो देख ही लिया है तुमने। नाइस यार, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और आगे 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 इसमें चलो। ओके, स्टोरेज रूम बड़ा। ये स्टोरेज रूम क्या, यहाँ पे तो तू अपना ना पूरा कपड़ा लगा सकता है यार। सब कुछ जो भी मेरे पास आइटम आएंगे वो सब यहाँ पर आएंगे, क्योंकि भाई ये घर नया है, तो अभी सामान मुझे लेके आना है। लेट्स गो। वाओ यार, अभी तो कोल्ड ड्रिंक भी पीना है मुझे। वाह 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 वाह, चलो चाय पीने का जमाना है, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही है।
भाई गर्मी में जाए तू भी यार, मैं तो ठंडा पीते ठंडा ठंडा। तो मोर गैंग फटाफट से बताओ तुम लोगों मेरा घर कैसा लगा, फटाफट से ब्लू हर्ट दो और रेटिंग दो भाई 10 में से कि तुम लोगों को कैसा लगा। और अभी हम लोग दीदी का देखेंगे और फिर दीदी का भी तुम लोगों को रेट करना है, तो आओ दीदी अपने घर का टूर दो। अरे यस यस गाइस, तो तुम लोगों को बाहर से मैंने घर तो दिखाई दिया था, वापस से दिखा देती हूँ। मैंने व्हाइट रेड और ग्रे का कॉम्बिनेशन रखा है, तो चलो आइए जल्दी से घर में आ जाओ। हेलो हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है रे बाहर से तुम्हारा कॉम्बिनेशन, मेरे को लग रहा कुछ तो तगड़ा होगा। अब गेट खोलो, ओनर्स का डोर लगाया ताकि मैं नहीं आ सकूं। यस यू आर स्मार्ट ब्रो। और यहाँ पे देखो, मैं देखो दिखा देती हूँ, ये हमारा लिटिल गार्डन, स्मॉल स्मॉल गार्डन। ओए तोड़ने वोड़ना नहीं है, बाहर निकलो बाहर निकलो। क्या गार्डन है ये, आयुष बाहर निकल बाहर निकल। ठीक है यार, अच्छा लग रहा है लेकिन काफी। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो प्लांट्स में पानी डालने के लिए रख भी दिया है, देखो बेसिन। बहुत ही बढ़िया दीदी, चलो ठीक है ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं। चलो ऊपर चलो। ओ और यहाँ पर आ गया बेडरूम। अच्छा यस, ये मेरा रूम है, क्यूट सा रूम। क्यूट क्या यार, काफी मॉडर्न डिजाइन किया है। वॉल का कलर मेरे को अच्छा लगा तुम्हारा। थैंक यू, इस बार थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करी है। वैसे ग्रे तो मुझे काफी पसंद है ना, इसलिए मैंने ग्रे भी दिया है थोड़ा। ओहो सही है सही है। और यहाँ पर क्या है, ओ किचन, किचन तुमने भी ओपन किचन दिया है। वाह भाई ये देखो ओपन है पूरा। ओए तू नीचे गिर जाएगा, ओए नीचे उतर। और यहाँ पे जानवर लोग आ रखे हैं बाहर में, ये देखो। ओए नीचे उतर नीचे उतर। और ये देखो हमारा डाइनिंग एरिया, और उसके बगल में है वॉश बेसिन। वाह वाह, यहाँ पर टीवी हो गया, यहाँ पर बैठ के टीवी देखो। अच्छा अच्छा, सब कुछ एक साथ। और तूने एक चीज और नहीं देखा यार, इस बार मैंने अलग टाइप के डिजाइन बनाया, ये देख यहाँ पे फ्लावर पॉट लगाया ऐसे मैंने। ओहो अच्छा अच्छा, मतलब डेकोरेशन का तो ध्यान दिया है काफी। ठीक है ठीक है, और इसके ऊपर भी लाइट लगाए हैं मैंने, ये देखो। गॉड डेकोरेशन मैटर नहीं करता है घर में। ओ घर में रहते क्यों है, मैं डेकोरेट नहीं करेंगे तो। अच्छा ठीक है ठीक है, और भी कुछ है क्या यहाँ पर? ओ बाथरूम, और यहाँ पे मैं क्लोथ रख सकती हूँ बहुत सारे। ओके ये बाथरूम आगे लगा दिया तुमने, ठीक है ठीक है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है। नहीं तुम्हारा घर भी सही है, मतलब काफी अच्छा है। गाइस तुम लोग ही बताओ यार, रेड हर्ट स्पैम करके और दीदी को भी 10 में से रेट करके, मतलब बताओ तुम लोग दोनों को कितना स्कोर मिलना चाहिए। तुम लोग ही जज हो, मेरे ख्याल से तो मैं ही विनर हूँ डेकोरेशन का। तो मैं क्या, मेरा घर भी बहुत अच्छा है यार। गाइस भूलो मत, देखो मैं नीचे से तुम लोग को दिखा देती हूँ। झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा तो बहुत लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं विनर हूँ, मुझे विनर बनाओ यार तुम लोग गाइस देखो सच्ची सच्ची बताना है किसका अच्छा है। अगर जिसका अच्छा है उसका कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो, हम लोग तो वैसे भी कमेंट देखते हैं। यस, और लास्ट वीडियो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही हो, जाके तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। तो चलो हम लोग मिलते हैं उन वीडियोस में, तब तक न्यू वीडियो आ ही जाएगी। टिल देन बाय बाय बाय।